मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। पिछले 40 सालों से आगरा में एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन, एज ए लेजर सर्जन अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। पित्त की थैली के लेप्रोस्कोपिक विधि या दूरबीन विधि से मैंने हजारों ऑपरेशन किए हैं। चूँकि मैं एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, मेरे पास बहुत मरीज आते हैं जो पित्त की थैली का ऑपरेशन करा चुके हैं, लेकिन उनके अभी भी पेट में दर्द बना हुआ है और वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमने तो अपना ऑपरेशन करा लिया, पित्त की थैली का ऑपरेशन करा लिया, अब हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है। आज इसी सब्जेक्ट पर मैं आपसे बात करूँगा। मेरी वीडियो को कृपया अंत तक देखें, तब आप बात को अच्छी तरह समझ सकेंगे। वीडियो को लाइक करें और अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अपने उन सभी फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जिनको इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत से मरीज़ मेरे पास आते हैं जिनका ऑपरेशन हो चुका है और वो मुझसे पूछते हैं कि हमारे अभी भी क्यों दर्द हो रहा है। अब एक इसका सीधा सा एक कारण ये है कि ऑपरेशन से पहले अगर आपके पेट में दर्द होता था तो वो पित्त की थैली के कारण होता ही ना हो। पित्त की थैली में इन्फेक्शन या स्टोन जो पड़ जाते हैं उसके कारण ना हो, क्योंकि देखा गया है कि बहुत सारे कंडीशंस में, बहुत सारी अवस्थाओं में, बहुत सारे मनुष्यों में, पेशेंट्स में, अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली में पथरी तो आती है लेकिन उसकी वजह से दर्द नहीं होता है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि आपके दो बीमारियां आपको हों, एक तो आपको पित्त की थैली में जो पथरी है उसकी वजह से दर्द हो रहा हो, या आपको पेट के ऊपरी हिस्से में कोई और कारण हो जिसकी वजह से दर्द हो रहा हो। और इसका सबसे प्रमुख कारण है एसिड अधिक बनना। एसिड अधिक बनने से पेट में गैस्ट्राइटिस होती है और पेप्टिक अल्सर होता है, जिसमें कि पेट में और ड्यूडनम में घाव बन जाते हैं। और जब ये एसिड ऊपर की तरफ जाने लगता है छाती में, तब इसको हम GERD बोलते हैं, गैस्ट्रो इजोफिजियल रिफ्लेक्स डिसीज। इसमें भी हमारे पेट में ऊपर की तरफ और छाती के बीच में बहुत ज़ोर से दर्द होता है। अन्य पेट में दर्द के कारण है हमारे पेनक्रियास में कोई प्रॉब्लम होना, पेनक्रियास में स्टोन होना, पेनक्रियाटाइटिस होना, या लिवर में हमारे कोई प्रॉब्लम होना, लिवर एब्सेस होना, लिवर में सूजन होना, या छोटी या बड़ी आंतों में इन्फेक्शन होना, या उनमें कोई ट्यूमर होना या ट्यूबरक्लोसिस होना। दोनों कारणों से हमारे पेट में दर्द होता हो और एक कारण तो सही हो जाता है लेकिन चूंकि दूसरी बीमारी सही नहीं हुई है इसलिए हमारे पेट में दर्द बना रहता है। जो तीसरा कारण है वो है पित्त की थैली के ऑपरेशन का साइड इफेक्ट। जैसे जब हम ऑपरेशन करते हैं या सर्जन ऑपरेशन करता है तो पित्त की थैली में से कोई स्टोन निकल कर बाहर आ जाए CBD में, कॉमन बाइल डक्ट में, और वहाँ पर रहकर वो सिम्टम प्रोड्यूस करें। या ऑपरेशन करने के लिए जब हम चीरे वाला ऑपरेशन करते हैं तो हम मसल्स को काटते हैं, मांसपेशियों को काटते हैं, उनकी वजह से दर्द हो सकता है। लेप्रोस्कोपिक में हम बहुत छोटे छोटे से छेद करते हैं, मसल्स को काटते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी उनकी वजह से भी पेट में दर्द हो सकता है। अगर वो नर्व्स को इंजरी हो जाती है, नर्व्स बहुत छोटी होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, तो अगर उनमें इंजरी हो जाए तभी भी हमारे पेट में दर्द हो सकता है। कभी कभी जो इन्फेक्शन साइट है, जो ऑपरेशन की साइट है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है और उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद अगर जो हम छेद करते हैं इनमें इन्फेक्शन होता है तो इसमें ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होने के बहुत अच्छे चांस रहते हैं। तो अपनी अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो ट्यूबरकुलोसिस की जाँच और करा लें। और दूसरा एक कारण है ऑपरेशन के बाद चूँकि हम गॉल ब्लैडर को निकाल देते हैं तो जो हमारा फैट हम खाते हैं, जो वसा खाते हैं, चिकनाई खाते हैं, उसको पचाने में दिक्कत होती है।
तो हैवी मील खाने के बाद हमको पेट में दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसीलिए ऑपरेशन के बाद मैं मरीजों को सलाह देता हूँ कि 2-3 महीने तक कोई भी भारी चिकनाई का पदार्थ, खाद्य पदार्थ न खाएं, उसके बाद धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं। जो चौथा कारण है वो है ऑपरेशन के समय किसी अंदरूनी अंग में चोट लग जाना, जैसे कॉमन बाइल डक्ट होती है उसमें चोट लग जाए, स्टमक में चोट लग जाए, ड्यूडनम में चोट लग जाए, लिवर में चोट लग जाए, या जो हमारी आंतें हैं उनको चोट लग जाए। तो ये सभी प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से हमारे पित्त की थैली के ऑपरेशन के बाद भी हमारे दर्द बना रह सकता है। सबसे पहले तो आप अपने सर्जन को दिखाएं, और अगर उनकी समझ में ना आ रहा हो तो किसी दूसरे सर्जन को, किसी दूसरे GIT सर्जन को या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं जो आपकी समस्या को पहचान सके। जो प्रमुख जांचें हमको करानी चाहिए उसमें आप अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, पेट का MRI करा सकते हैं, और एंडोस्कोपी की जांच करा सकते हैं जिसमें हम मुँह से नली डालकर एंडोस्कोपी की जांच करते हैं। जब आप पेट का MRI कराएंगे तो उसमें शरीर के किसी भी भाग की बीमारी होगी वो पकड़ में आ सकी होगी। अगर आपका अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना ऑपरेशन करवाने से पहले अपने सर्जन से अवश्य पूछें कि क्या आपकी जो पित्त की थैली में पथरी है उसी की वजह से आपको ये दर्द हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम पेट में दर्द होने पर या पेट में कोई भी तकलीफ होने पर हम अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें पथरी आती है, और बिना कुछ सोचे हुए हम पथरी को देखते ही ऑपरेशन के लिए चल देते हैं। ये सही अप्रोच नहीं है। अगर आपके पेट में अल्ट्रासाउंड में पथरी आई है, गॉलब्लैडर में पथरी आई है, तो हमेशा ही पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपको जो तकलीफ हो रही है वो दर्द हो रही है, दर्द हो रहा है वो पित्त की थैली में स्टोन या पथरी की वजह से हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9837144287। मैं कोशिश करूँगा आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूँ। थैंक यू।